अस्सलाम बसमैकम डर स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ नोट्स राइटिंग नोट्स राइटिंग जो कि हमारे सिलेबस में है ग्रामर का एक पार्ट है तो नोट्स का फॉर्मेट क्या है इसके एग्जांपल्स क्या हैं इसके टॉपिक्स क्या एक्सरसाइज किस तरह होती हैं चूँकि ये क्लास टेंथ के लिए है सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश और मैं बिलाल का बिलाचर तो so, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोट्स राइटिंग क्या होती है नोट्स इज अ राइटिंग, रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट नोट्स, नोटिस आर आइदर डिस्प्लेडेड प्रोमिनेंट प्लेसिस आर पब्लिश इन न्यूज पेपर्स मैगजीन इट इज ओनली फॉर सेलेक्ट ग्रुप अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन इट्स ट्यून एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल इट इस लैंगवेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल नोट्स इज़ ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट नोट्स आर रिटर्न और प्रिंटेड क्योंकि ये जो नोट्स होती हैं एक रिटर्न या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम किसी सेलेक्ट ग्रुप के लिए ए, लिखते हैं या प्रिंट करते हैं या डिस्प्ले भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स में या मैगजीनज़ में तो किसी खास जगह पे या स्कूल में अगर हम नोट्स लगाएंगे तो हम नोट्स बोर्ड पे लगाएंगे तो इसमें एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो इसकी लैंग्वेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए वो लुसिड होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए तो और नोट जो है वो ब्रीफ टू द पॉइंट होनी चाहिए तो वट पॉइंट्स वी शुड कैप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग नोट्स तो दीज पॉइंट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर तो सबसे पहला पॉइंट जो है द लैंग्वेज ऑफ द नोट शुड बी इम इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन नंबर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई एंड यू शुड नेवर बी यूजड याद रखना द नोट्स मस्ट बी पुट इन अ बॉक्स खास यानी जो भी नोट्स आप लिखोगे उसको एक बॉक्स में रखो ठीक है इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए द पर्पज़ ऑफ़ द नोट्स मस्ट बी मेड वेरी क्लियर यानी के जो मकसद है नोट्स लिखने का वो क्लियर होना चाहिए डेट ऑफ राइटिंग द नोट्स शुड ऑल्सो भी यानी किस तारीख पे आप नोट्स लिख रहे हो कि वो मैंशन करना होता है इट शुड कैरी ऑल नेसरी इन्फॉर्मेशन यानी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें होनी चाहिए इट मस्ट हैव अ सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी अच्छा जो नोट्स लिख रहे हैं जिनकी तरफ से नोट्स आ रही है इनका सिग्नेचर उनकी डिजिग्नेशन होनी चाहिए देर इज़ नेगेटिव मॉकििंग इफ द लिमिट इज एक्सीडिड अच्छा क्योंकि जो वर्ड्स जो हो वर्ड एक लिमिट होता है वर्ड लिमिट होता है नोट्स में पचास वर्ड्स या तो इससे एक्सीड अगर आप जाओगे तो इसके लिए नेगेटिव मार्क्स होते हैं तो इसके बाद फॉर्मेट हैं कि नोट्स किस तरह राइट नोट्स इनफॉर्मिंग अबाउट कलिन लाइनस ड्राइव कंपाइन टू दू हेल्ड इन द तो तो नेबरहुड तो इसको बॉक्स में आ, रखना है तो बक्स यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं हुआ क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ रही थी द कलिंग लाइन इज ड्राइविंग ड्राइव इस तरह हम लिखेंगे ऊपर नोट्स लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे द कलिंग लाइन इज ड्राइव प्रोग्राम टू तो बी सेपरेट अवेयरनेस अबाउट कलिंग लाइनस इसके बाद डेट टाइम वेन्यू इसके बाद बॉडी में क्या लिखना है तो वो लिखेंगे ठीक है तो इसके बाद एक्सरसाइज या खुद ट्राई करोगे राइट ए नोट्स इन फॉर्मिंग क्लास्टिच्यूज स्कूल अबाउट दियर मीटिंग विद द डिसपलरी डिपार्टमेंट टू डिस्कस द वेज़ टू मेक श्योर दैट दूडेंट्स फॉलो द र्रेस कौड़ी ऑफ ख़ ख़ुद घर में बैठ के ये एक्सरसाइज करोगे यानी यह नोट्स बनाओगे तो इसके बाद इन श आप मुझे कॉल कर कॉल भी कर सकते हैं या वॉइस कॉल वॉइस कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो के जरिए आप मुझे वीडियो भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ताकि मैं आपका जो है जो आपने लिखा है उसको मैं देख सकूँ तो थैंक्स लव यू ऑल